मैं हूं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं मैनपी न्यूज। विकासखंड कुरावली के ग्राम पंचायत ईसई महलोई में सैयद बाबू उद्दीन इस्लामिया इंटर कॉलेज में 26 जनवरी के मौके पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों ने धमाकेदार प्रस्तुतियां दी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। विकासखंड कुरावली के ग्राम पंचायत ईसई महलोई में बने सैयद बाबू उद्दीन इस्लामिया इंटर कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य साबिर अली ने ध्वजारोहण किया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की प्रस्तुति कर समा बांध दिया। छात्र ने गणतंत्र दिवस का महत्व बताया गया तो वहीं वंदे मातरम गीत पर छात्र छात्राओं ने धमाकेदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें प्रिंसिपल साबिर अली की तरफ से विजेता को 2500 रुपये, उपविजेता को 1500, तीसरे स्थान पर रहे प्रतियोगी को 1100 रुपये देकर सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आज ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और फौजियों के लिए, जहाँ तक आप हमें पता है आप इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं, तो आपने तो गणतंत्र दिवस आपके जीवन में एक अलग ही महत्वता रखता होगा। क्या महत्व रखता है ये आपके? खैर, हम फौज से रिटायर होकर तो मुझे 17 साल हो गए और मैंने अपने गांव में आकर के, मेरा गांव एक आदिवासी टाइप का था, मैं सैयद साबिर अली का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने 20 साल पहले विद्या का दीपक जलाया हमारे क्षेत्र में। यहां से 10-10 किलोमीटर बच्चों को पढ़ने की कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, हम तो 15 किलोमीटर दूर पैदल पढ़ने जाते थे। मैं तहे दिल से सैयद साबिर अली का धन्यवाद करूंगा और एक ही चीज़ कहूँगा कि सबसे मिलजुल के रहो। फौजी के नाते मेरी एक ही चीज है कि हम बंदे हैं प्यार के और मांगे सबकी खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सर, आपके स्कूल में आज ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ये किस रूप से मनाया जा रहा है और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 को देश विकास और संविधान लागू हुआ था। उसी संवैधानिक व्यवस्था में देश हमेशा चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ है ये आगे परंपरा बनी रहे, उसी राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हम इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी नगर क्षेत्रवासी, सभी गांववासी, सभी बच्चे मिलकर के इस गणतंत्र दिवस को